सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यहां 10,405 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। भोपाल में 8,038 करोड़ रुपए लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं राजधानी के लाल परेड मैदान पर आयोजित सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पहले जब हम नागपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करते थे तो सड़क की स्थिति बता देती थी कि मध्य प्रदेश आ गया है। आज गुणवत्ता युक्त सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लगातार काम चल रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी संबोधित किया। तो वहीं वर्चुअल रूप से जुड़े केंद्रीय इस्पात और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और MP विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी संबोधित किया। इससे पहले मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में 2,367 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। हजारों साल से मध्य प्रदेश देश का प्रदेश होने के कारण, मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां कहीं भी किसी को भी आना जाना पड़ता था तो सदैव उसका मार्ग मध्य प्रदेश के ही मार्गों से निकलता था, लेकिन काल के प्रवाह में बाद में अलग अलग संसाधन चले, उसके कारण से हमारी अपनी भूमिका फर्क पड़ गई और उसका परिणाम यह आया कि कई सारी संभावना जो हमारे यहाँ थी आज़ादी के बाद से, जो अभी आंकड़ा बताया कि लगभग 5,000 किलोमीटर का जो हमारा 70 साल का रिकॉर्ड था और अभी आज लगभग 10.25 साल हुए हों और ऐसे में वापस ये 5,000 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में खास करके ये कौन सा क्षेत्र छूट रहा है, अभी हाल पूर्व में भी भाषण में सभी में आया, गुजरात से जाने वाले मार्ग हो उसी का भी भूमि पूजन हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ निमाड़ से खरगोन के रास्ते से महाराष्ट्र जाने के वो मार्ग का भी हमारे इसी कार्यक्रम से उसका भूमि पूजन लोकार्पण, समय की कमी है, अन्यथा हमारे लगभग 17 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं, 17 जिलों के अंदर अलग अलग प्रकार से, और खास करके चंबल का बेल्ट, मालवा का बेल्ट, ये तो इसके अंदर जितने राजमार्ग है और अपने नगर के किनारे बसे हुए मार्ग है, जैसे मुरैना हो, भिंड हो या ऐसे कई ब्यावरा हो, सबके बाईपास मार्ग बनाने का काम इसी के साथ हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी अपनी अलग अलग प्रकार के विभागों की गति चल रही है, आवागमन के माध्यम से सबसे बड़ी भूमिका यही रहती है, अगर राजमार्ग बनते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अपनी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है। कि नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब हम छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो नागपुर के रोड पर नींद लग जाती थी और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश आ गया है। इस प्रकार की परिस्थिति मध्य प्रदेश में थी। और आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 2024 समाप्त होने तक कार्य पूरे करेंगे, शुरू करेंगे या समाप्त करेंगे। और इसलिए विश्वास है कि मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2024 जब समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग आएंगे, व्यापार आएगा, उद्योग व्यापार आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उद्योग के कारण अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में आज काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ भूमि पूजन हो रहे हैं। मैं उसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, जो होगा वो तो आप देखने वाले हैं। पर हमने इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि जो रिंग रोड बन रहा है उसके बाजू में
अगर वो सरकारी जगह हमको देते हैं तो लॉजिस्टिक पार्क, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम बनाने के लिए अपने पैसे से तैयार हैं।